नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती आवेदन यदि आप कर रहे हैं, फॉर्म अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब आगे फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है आपको। वेबसाइट आपकी एकदम बंद हो चुकी, ठप हो चुकी है। आपको लाइव में सामने खोल करके दिखाता भी हूँ, तो इसी प्रकार से गोल गोल चक्का घूमता रहता, वेबसाइट नहीं खुलती। अब सवाल ये उठता है किया क्या जाए, तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका मैं आपको दिखाऊं तो ऑफिशियल जहां से आप आवेदन कर रहे थे वहीं पर एक पीडीएफ दी गई थी। इसी पीडीएफ में सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। इसी में सबसे नीचे आप जाएंगे तो एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया था 9297739013। ये है क्वेरी जो भी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उससे संबंधित। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इस पर फोन मिला लीजिए, मैं आपको लाइव फोन मिला करके भी दिखाता हूँ, आप खुद से सुनिए। और ये जो व्यस्त बता रहा है ना, ये एक बार नहीं बताता, जितनी बार आप मिलाएंगे हर बार व्यस्त बताएगा। कुल मिलाकर के ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है इससे कुछ नहीं होने वाला। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ा सा विजिट करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर देखेंगे तो कॉन्टेक्ट अस ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ ऑफिस के नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ मिलाने का कोई फॉर्म मतलब नहीं है, परंतु सबसे नीचे अगर देखेंगे आईटी ऑनलाइन सेक्शन जो नंबर दिया गया, ये नंबर वही है जो अभी मैंने आपको मिला करके दिखाया, यानी यही मोबाइल नंबर आपको उस पीडीएफ में भी दिया गया, यहाँ भी दिया गया है, मतलब ये तो एक आपका ऑप्शन गया। इंक्वायरी सेक्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं, तो देखते हैं उसको भी फोन मिला के मिलता है कि नहीं। तो यहाँ अगर देखेंगे सेम कंडीशन, आपको आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त, सेम कंडीशन व्यस्त वाली यहाँ भी देखने को मिली। कुल मिलाकर के नंबरों से तो कुछ होने वाला नहीं। अब दूसरा ऑप्शन बचता है आपके पास, वो है ट्विटर का। जब आप देख रहे हैं कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, ये बात बात पे कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहे हैं, नई नई जानकारी दे रहे हैं, यानी ट्विटर पर ये आपका पूरी तरीके से एक्टिव है, तो आप इनको टैग करते हुए जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट बीपीएससी की ऑफिशियल पेज बना होगा, उसको लेकर के आप टैग करके उसको टैग करके ट्वीट कर सकते हैं। तो यही एक ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि नंबरों को मैंने डायरेक्ट आपको दिखा दिया। बाकी ऑफिस नंबर पर कॉल करने का कोई मकसद नहीं होता, वो ऑफिस पर्पज से होते हैं, बाकी आप चाहें करना तो ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करके आपको दिखा दिया, ताकि जिनका भी आवेदन अभी तक इनकम्प्लीट है उनके लिए जो भी प्रयास हो सकता है वो है ट्विटर। तो यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर वेबसाइट चल जाती है, सही होती है, तो आपको हम आगे आके सूचना अवश्य देंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।